नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस हाई कोर्ट 2021 के मॉक टेस्ट 3 के सॉल्यूशन को। तो अगर आपने इसका अभी तक क्वेश्चन पेपर करके नहीं देखा है तो आप उससे पहले कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। इससे पहले मैं दो सॉल्यूशन और करा चुका हूँ जिनकी पीडीएफ ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी थी, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो यहां देखते हैं, तो यहां पर हमारा क्या है पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गिव आउटपुट ऑफ सिंगल मल्टीपल कलर्ड इमेजेस एंड ड्राइंग्स, वीडियो स्कैनर प्लॉटर एंड मॉनिटर। तो यहां पर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो पहले तो हमें इस पे फोकस करना है। तो क्या बोला, व्हाट आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गिव आउटपुट। तो पहले क्या है, हमें आउटपुट ढूंढना है, ठीक है। दूसरा क्या है, सिंगल एंड मल्टीपल कलर्ड इमेजेस एंड ड्राइंग। तो भाई हमें क्या करना है, एक ऐसा आउटपुट डिवाइस ढूंढना है जो हमें सिंगल कलर या फिर मल्टीपल कलर इमेजेस या फिर ग्राफिक्स को आउटपुट के रूप में दे सके। तो यहां पर हम बात करते हैं, तो पहले तो क्या हो जाएगा कि जो स्कैनर है, तो स्कैनर तो आंसर कतई नहीं होगा, क्योंकि स्कैनर पूर्णता क्या है, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो यहां पर ये आंसर है नहीं। फिर आता है हमारा क्या, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो यहां पर चीजें दिखाई जाती हैं, मतलब मॉनिटर और प्रोजेक्टर। तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर, और ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। तो आंसर के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, तो आंसर के लिए हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो है केवल और केवल प्लॉटर, क्योंकि प्लॉटर का काम ही क्या है, इसका काम होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना। या फिर अगर हम क्या बोल सकते हैं कि ग्राफिक्स के लिए तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लॉटर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से यहां पर हमने क्या लगाया, प्लॉटर लगाया। तो चलिए अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म ऑफ यूनिट ऑफ मेमोरी। अब यहां पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन हुआ करता था हमारा मेमोरी का, उसका एक नया वर्जन ही मान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस को एक जैसा तो रखा नहीं जाता, लगातार बदलते रहते हैं। तो ये मेमोरी का ही क्वेश्चन है। तो पहले हम सभी जानते हैं कि मेमोरी की यूनिट होती कौन कौन सी है। तो हम सबको पता है कि भाई बाइट होती है, बाइट के बाद होती है केबी, केबी के बाद होती है एमबी, एमबी के बाद होती है जीबी, और जीबी के बाद होती है टीबी। तो यहां पर मैंने छोटे से बड़े की ओर लिख दिया है। अब यहां पर क्या है, मतलब जीबी बड़ी है एमबी से, एमबी बड़ी है केबी से, और केबी बड़ी है टीबी से। जबकि हम क्या देख रहे हैं कि जीबी बड़ी है किससे, मतलब जीबी छोटी है टीबी से, मतलब टीबी बड़ी है जीबी से। तो ये तो गलत हो गया हमारा, यहां पर क्या है कि ये हमारा गलत हो गया। अब अगला देखते हैं, टीबी बड़ी है जीबी से, हाँ टीबी बड़ी है जीबी से, सही बात है। जीबी बड़ी है एमबी से, जीबी बड़ी है एमबी से, और एमबी बड़ी है केबी से, एमबी बड़ी है केबी से। तो हमारा आंसर ये है, लेकिन बाकी भी चेक करना जरूरी हो जाता है, खासकर कंप्यूटर के पेपर में। तो बाकी ऑप्शन को भी देखिए, टीबी बड़ी है एमबी से, टीबी बड़ी है एमबी से, सही बात है। एमबी बड़ी है जीबी से, एमबी बड़ी है जीबी से, नहीं एमबी छोटी है, तो ये भी आंसर नहीं है। और यहाँ पर क्या है, एमबी बड़ी है जीबी से, नहीं एमबी छोटी है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब वो क्वेश्चन क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शन इज रियल टाइम, डिले टाइम, सीपीयू साइकिल और सीक टाइम। तो दोस्तों यहां पर क्या पूछा हुआ है कि एक इंस्ट्रक्शन को फेच और एग्जीक्यूट करने में लगा समय। तो दोस्तों फेच और एग्जीक्यूशन में जो लगा समय होता है वो होता हमारा एग्जीक्यूशन टाइम, लेकिन यहां तो चार ऑप्शन एग्जीक्यूशन टाइम दिए नहीं गए। अब हमें चुनना तो इन्हीं में से है। तो व्यापम के जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर हमारे ग्रुप थ्री लेवल के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो हमारे एमपी का हो, चाहे वो हमारा सेंट्रल लेवल का हो या फिर किसी और स्टेट का हो, इसमें एक बात ध्यान रहती है कि जो चार ऑप्शन दिए जाते हैं हमें इन्हीं में से आंसर छांटना होते हैं, और इसी में जो पॉसिबल है वही लगाना है। तो यहां पर क्या है, डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए था एग्जीक्यूशन टाइम। अब सवाल क्या है, तो सवाल क्या है भाई, टाइम तो लगाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, हम देखते हैं कि रियल टाइम तो क्या है, ओएस की कैटेगरी है। तो इंस्ट्रक्शन का और फेचिंग का रियल टाइम से कोई भी लेना नहीं है, तो भाई ये तो आंसर हो नहीं सकता। सीपीयू साइकिल तो समय होता ही नहीं है, तो भाई ये भी आंसर नहीं होगा। अब अच्छा, या तो हमारा डिले टाइम या फिर सीक टाइम। तो डिले टाइम का मतलब क्या होता है, तो डिले टाइम का मतलब हो जाता है कि भाई किसी भी प्रोसेस को रन करने में जो बीच में कितना समय लग रहा है,
मतलब किसी प्रोसेस को रन करने में आपको कितना गैप है, कितना डिले है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहां पर हमारा आंसर बचा सीक टाइम, क्योंकि यहां फेचिंग और एग्जीक्यूशन दोनों के बारे में बात की गई थी। किसके बारे में बात करी है? फेचिंग के बारे में और एग्जीक्यूशन के बारे में। इसलिए यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा सीक टाइम। तो चलिए दोस्तों, अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है गैस प्रोवाइड्स एन इजी वे फॉर ए यूजर टू कम्युनिकेट विद अनदर यूजर ओवर द इंटरनेट, वेब ब्राउजर, लेटर, ईमेल और इंटरनेट। तो दोस्तों ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने बिल्कुल बेसिक अगर इंटरनेट पढ़ा है तो आप आराम से लगा देंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो क्या बोला हुआ है? डैश प्रोवाइड्स एन इजी वे फॉर यूजर टू कम्युनिकेट विद, ठीक है, कम्युनिकेट करना है और किसका इस्तेमाल करके? इंटरनेट का इस्तेमाल करके। तो पहले तो आपसे ये पूछा हुआ है कम्युनिकेशन सर्विस कौन सी है, तो इन चारों के बारे में हम बात करते हैं। तो वेब ब्राउजर कम्युनिकेशन सर्विस नहीं होते, वेब ब्राउजर होते हैं वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब लेटर से हम कम्युनिकेट कर तो सकते हैं, लेकिन इंटरनेट यहाँ इस्तेमाल नहीं होने वाला, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा इंटरनेट और ईमेल। तो अगर हम देखें इंटरनेट और ईमेल में से कम्युनिकेशन सर्विस कौन सी है, तो वो है हमारी ईमेल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा चौथा या फिर सी ऑप्शन है, ईमेल। तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। हाँ, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ईमेल के आविष्कारक कौन हैं? ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव इज टिपिकली डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ पीसी वाया ए डैश यूएसबी इंटरफेस, एससीएसए इंटरफेस, वैन इंटरफेस और पैरेलल इंटरफेस। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो हमें क्या करना है? हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना है पीसी से। बस अब हार्ड डिस्क को पीसी से कनेक्ट करने के लिए या तो हम एससीएसआई का इस्तेमाल करते हैं या फिर पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही लगने हैं यहां पर आंसर। अब दो तो आंसर हो नहीं सकते क्योंकि हमें तो केवल एक चुनना है। अब क्या चुना जाए? तो अब क्या बोला हुआ है? टिपिकली। क्या टिपिकली? इसका यहां मीनिंग हो जाता है कि वे पारंपरिक तौर पर कन्वेंशनली हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वे हार्ड डिस्क के लिए ही हमने एक अलग से पोर्ट बनाया हुआ था, एक अलग से कनेक्शन बनाया हुआ था, और वो हमारा SCSI। और यही वजह है कि यहां पर हमने क्या माना? SCSI को सही माना है। अब SCSI का पूरा नाम क्या है जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आफ्टर डूइंग अ लो लेवल फॉर्मेट व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन कॉन्फिगरिंग द हार्ड ड्राइव इन द सिस्टम। तो यहां पर क्या पूछा हुआ है? लो लेवल फॉर्मेट के बारे में बात की हुई है। हमारे एमपी हाई कोर्ट का एक पेपर था, प्रीवियस पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक भी अभी आपको आई बटन पर दिख रही होगी, जहां से आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या हम कर चुके हैं? लो लेवल फॉर्मेट कर चुके हैं, तो अगला ऑप्शन क्या है? तो यह ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? पार्टीशन हार्ड डिस्क, कॉन्फिगर डीएमए चैनल एंड बैकअप इंटरप्ट, इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम और फॉर्मेट डॉस पार्टीशन। हम फॉर्मेट कर चुके हैं, तो फॉर्मेट करने के बाद अगला हमारा स्टेप क्या होता है कि हम दोबारा से अपने ओएस को इंस्टॉल करते हैं, और जिसके बारे में बात कहां दी गई है? ऑप्शन सी में। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों अगला ऑप्शन देखते हैं। ओवर ए पीरियड यूज ऑफ द आईसी इन अ कंप्यूटर हैज, अब ऑप्शन में क्या है? रिड्यूस द साइज एंड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, रिड्यूस द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ हीटिंग। तो दोस्तों उन्होंने ये पूछा हुआ है कि आईसी के प्रयोग ने कंप्यूटर में क्या बदलाव लेकर आए। तो यहां हम बात करते हैं तो कंप्यूटर में आईसी के इस्तेमाल से दो प्रमुख बदलाव आए। जहां पर हम बात करें पहला क्या है? रिड्यूस द साइज एंड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स, और दूसरा है डिक्रीज द अमाउंट ऑफ हीटिंग। अब वही वाली बात आ गई कि दो आंसर तो लग नहीं सकते, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे एग्जाम में केवल एक ही आंसर वैलिड माना जाता है। तो दोनों में से हम किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? तो अगर देखा जाए कि आईसी के इस्तेमाल ने करा क्या, तो आईसी के इस्तेमाल ने कंप्यूटर के आकार को छोटा और क्या कर दिया? कंप्यूटर के आकार को छोटा किया, और दूसरा उनकी जो कीमत थी उसको कम कर दिया, और इसका वेटेज, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है बनिस्बत हीटिंग वाले के। इसीलिए यहां पर आंसर कौन सा मानेंगे? ए मानेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो क्या है? इन एमएस एक्सेल व्हिच फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द वैल्यू पास्ड एज आर्गुमेंट। तो क्या पूछा हुआ है? लार्जेस्ट वैल्यू पूछी गई है, मतलब जितनी वैल्यू हम पास कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है, तो हम किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? तो ऑप्शन में क्या है? मैक्स, मोर, हाई
और हाईएस्ट। तो दोस्तों एमएस एक्सेल के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी वैल्यू को ढूंढने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैक्स फंक्शन का, तो इसलिए यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा 8। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट इज क्रिटिकल फॉर इवन द सिंपलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट यूज्ड ऑन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, रिप्लेस्ड विद वर्चुअल मेमोरी ऑन करंट सिस्टम, नॉट यूज्ड इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उन्होंने बात की है कि मेमोरी मैनेजमेंट का संबंध इन चार स्टेटमेंट में से किस में है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो हमने एक चीज पढ़ी होती है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा 5 प्रमुख कार्य किए जाते हैं, नंबर 1 प्रोसेस मैनेजमेंट, नंबर 2 मेमोरी मैनेजमेंट, नंबर 3 फाइल मैनेजमेंट, नंबर 4 डिवाइस मैनेजमेंट और नंबर 5 प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अगर आपने ओएस में ये सारी चीजें पढ़ी है तो आपको ये पता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, जिससे कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जा सके। तो यहां बात कर रहे हैं क्या है, इन 5 मतलब किसी भी ओएस का प्राइमरी वर्क क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो यहां मेमोरी मैनेजमेंट आ रहा है, मतलब ये तो होगा ही होगा। अब पढ़ते हैं ऑप्शंस में क्या है, क्रिटिकल फॉर इवन द सिंपलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि भाई सबसे सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी इसका होना अति आवश्यक है। और हमने क्या बोला कि किसी भी ओएस के बारे में बात की जाए मेमोरी मैनेजमेंट उसका प्राइमरी वर्क है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अगला Not used on multi-programming system, भाई अब कोई भी सिस्टम हो, चाहे multi-programming हो, चाहे multi-processing हो, चाहे batch processing हो, चाहे real time हो, तो उनमें क्या हुआ इसका इस्तेमाल होगा, तो ये तो इस्तेमाल हो नहीं सकता। Replaced with virtual memory on current system, तो virtual memory का और memory management का ज्यादा कोई खास संबंध होता ही नहीं है, तो इस वजह से हमारा ये आंसर भी नहीं होने वाला। अब बचता तीसरा, नॉट यूज्ड इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी वर्क क्या है, वो होता है हमारे मेमोरी का प्रबंधन, मेमोरी का मैनेजमेंट। तो यहां पर ये बात कहां गई है, ऑप्शन ए में, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। और अब हम बात करेंगे हमारे 10वें नंबर क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर। तो पहली बात क्या है, कंट्रोल और किसको, प्रिंटर को। तो इन चारों में से कौन एक प्रोग्राम है जो क्या करता है, प्रिंटर जैसे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो पहले तो यहां देखो यहां प्रोग्राम है कौन कौन से, तो भाई GUI प्रोग्राम नहीं होते और कमांड लाइन भी प्रोग्राम नहीं होते, तो आंसर बी है या फिर सी है। अब बात क्या प्रिंटर, तो प्रिंटर या फिर इतने भी हम डिवाइसेस देखते हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास इनसे संबंधित विशेष प्रोग्राम होने चाहिए, जिन्हें क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा बी, डिवाइस ड्राइवर। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है OCR डैश कैन बी यूज्ड टू प्रोसेस बैंक चेक, कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड वॉइस इनपुट टू अ वर्ड प्रोसेसर, कैन इमेजेस स्कैन इमेजेस टू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड कन्वर्ट इट इनटू एडिबल फॉर्म, डी कैन बी यूज्ड टू अपडेट स्टॉक डेटाबेस इजीली विद न्यू प्राइस। तो दोस्तों OCR, तो OCR का पूरा नाम, OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर, और इसका इस्तेमाल किया जाता है पुरानी पांडुलिपियों को या फिर पुरानी किताबों को पढ़ने के लिए। तो यहां पर क्या है, इसका संबंध टेक्स्ट को रीड करने के लिए होता है, ध्यान रखिए कहीं ना कहीं इसका मीनिंग क्या है, टेक्स्ट को रीड करना। तो अब यहां हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, कैन बी यूज्ड टू प्रोसेस बैंक चेक, तो नहीं, बैंकों में तो इसका प्रयोग नहीं होता। अगला कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड वॉइस इनपुट, तो मैंने कहा था टेक्स्ट को पढ़ने के लिए होता है, वॉइस इनपुट के लिए नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं है। तीसरा स्कैन इमेजेस टू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड कन्वर्ट इट, तो यहां पर क्या लिखा, इमेजेस को स्कैन कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है टू एडिबल फॉर्म में, मतलब इमेजेस में जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको अलग करना, यही तो काम होता है रीड करना, यही तो काम होता है OCR का। तो OCR किसी भी इमेज से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और यही हमारा OCR का वर्क है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, डी भी पढ़ लेते हैं, कैन बी यूज्ड टू अपडेट स्टॉक, नहीं, डाटाबेस को अपडेट करने में इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। तो यहां पर क्या है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों इंटरनेट की डेफिनेशन क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क जो पूरे विश्व में फैला हो, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, इंटरनेट। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि इंटरनेट के आविष्कारक या इन्वेंटर किसे माना जाता है, आप जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को, इन ओल्डर
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्जन विच बार प्रोवाइड टूल फॉर फॉर्मेटिंग लाइक बोल्ड एंड इटैलिक। तो दोस्तों हम सभी ने क्या है एमएस वर्ड 2003, 2007, 10, 13, 16 पढ़ रखे हैं और यहां पर हम देखते हैं कि 2003 के बाद 2007 में काफी बड़े चेंजेस लाए गए। तो यहां हम क्या देखते हैं कि ओल्डर वर्जन, तो यहां 3 के बारे में बात कर रही है। आप ये मत सोचते हैं कि 7 या 10 के बारे में बात हो रही है, यह स्पेसिफिक बात हो रही है 2003 की। तो 2003 में हुआ करते थे हमारे कौन से फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार, तो ये तो वैसे ही बाहर हो गए। अब यहाँ पर क्या बोला है, हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से संबंधित जितनी भी कमांड्स होती थी वो हमें हिस्सा हुआ करती थी हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, फॉर्मेटिंग टूल बार। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। तो अगला क्या है, RAID stand for redundant array of dash disk। तो यहाँ पर RAID का फुल फॉर्म एक और नए तरीके से पूछा है। तो RAID का पूरा नाम क्या होता है, redundant array of independent disk या redundant array of inexpensive disk। तो यहाँ क्या देखेंगे, तो यहाँ हमारा पूरा नाम है क्या, तो इसका पूरा नाम होता है redundant array of independent disk। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लगाएंगे, सी, इंडिपेंडेंट। हाँ यहाँ इनएक्सपेंसिव हो सकता था अगर ये ओल्ड पूछा होता, क्या पूछा होता, ओल्ड। तो ओल्ड में हम क्या लगाते हैं, इनएक्सपेंसिव लगाते हैं बनिस्बत इंडिपेंडेंट के। तो यहाँ हमारा आंसर है सी, इंडिपेंडेंट। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू सेव एनी ट्रांजेक्शन परमानेंटली इनटू द डाटाबेस। मतलब अब यहाँ क्या बोला गया है कि डाटाबेस में आपने कोई ट्रांजेक्शन किया और उस ट्रांजेक्शन को आप परमानेंट करना चाहते हैं तो आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे। तो डाटाबेस में ट्रांजेक्शन को परमानेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बहुत फेमस कमांड है और वह कमिट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कमिट का लिखा हुआ है, तो कमिट लिखा हुआ है ऑप्शन डी में, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है एक कंप्यूटर सिस्टम इज accurate but if result of any computation is incorrect then what can be possible cause for it। तो कंप्यूटर क्या बोला हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है accurate है लेकिन रिजल्ट क्या है incorrect, तो क्या संभावना हो सकती है। नंबर एक पावर फेलियर, नंबर दो ब्रोकन कंप्यूटर सर्किट, नंबर तीन इनकरेक्ट डेटा एंट्री और नंबर चार ये डी ब्रोकन सर्किट। तो यहां पर क्या बोला हुआ है कि हमारा सिस्टम तो एक्यूरेट है लेकिन अगर हम जब भी कोई गणना कर रहे हैं तो वहां पर क्या है आउटपुट गलत आ रहा है, तो क्या कारण हो सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पावर फेलियर। तो भाई पावर फेलियर है तो उससे आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा लेकिन वो गलत गणनाएं करने लगे तो ऐसा नहीं होता, तो यहां पर ये आंसर नहीं हो सकता। अब ब्रोकन कंप्यूटर सर्किट, अगर कंप्यूटर की सर्किट ही टूटी हुई है तो कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा, तो सही और गलत का मैटर उठता ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। फिर आता है इनकरेक्ट डेटा एंट्री। तो दोस्तों अगर हमने डाटा ही गलत डाला होगा तो कंप्यूटर कितना भी सही काम करता रहे तो हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा, हमें गलत ही मिलेगा। तो जिस तरह अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसको आपने गलत पढ़ा है तो उसका आंसर भी आप क्या लगाओगे, गलत लगाओगे। तो यहाँ पर गलती क्वेश्चन की नहीं है, आपकी इनपुट की है। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर डेटा गलत इनपुट करा हुआ है तो आउटपुट भी गलत ही मिलेगा चाहे सिस्टम कितना भी करेक्ट बना रहे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, लेकिन ब्रोकन स्क्रीन तो इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ सीट इन एन एक्सेल वर्कबुक। मतलब एक्सेल वर्कबुक में इनमें से क्या नहीं होता। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर एक्सेल चलाया हो तो ये बहुत आसान क्वेश्चन माना जाता है। तो एक्सेल वर्कशीट के बारे में बात किए करें तो यहाँ पर वर्कशीट, चार्टशीट और मैक्रोशीट तीन सीटें होती हैं। कौन कौन सी हैं, पहली हमारी वर्कशीट, दूसरी हमारी चार्टशीट और तीसरी हमारी मैक्रोशीट। अब ऑप्शन देखते हैं, डाटा शीट, वर्कशीट, मैक्रोशीट और चार्टशीट। तो दोस्तों मैंने ये बताया कि भाई ये तो होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, तो डाटा शीट नहीं होती। तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट बी अ शीट, मतलब एक्सेल वर्कबुक में ये वाली शीट नहीं होगी। और अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो की है व्हाट इज कंसीडर्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो देख लीजिए, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट डज द कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हमने कल भी किया था। तो हम क्या देख रहे हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर ब्रेन हम किसे बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। तो जो कि हमारे ऑप्शन है डी में। और अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है ए फॉर्म ऑफ कोड। तो ध्यान दीजिए, ए फॉर्म ऑफ कोड मतलब एक ऐसा कोड अगला दैट यूजेस मोर देन वन प्रोसेस एंड प्रोसेसर पॉसिबली ऑफ डिफरेंट टाइप एंड दैट मे ऑन occasion have more than one process or processor active at the same time is known as। तो इन्होंने क्या बोला गया है, ऐसा कोड जो एक या एक से अधिक
प्रोसेस या फिर प्रोसेसर का इस्तेमाल करता है, जो एक भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, और जो हमें क्या करेगा, और हाँ एंड दैट मे ऑकेजन हैव मोर देन वन प्रोसेस। अब यहां पर बात सिंपल सी बोली गई है, एक ऐसा कोड जो क्या करता है, एक से अधिक प्रोसेस या फिर प्रोसेसर का इस्तेमाल करता है। तो यहां ऑप्शंस पढ़ते हैं, तो क्या है, टाइम शेयरिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ब्रॉडकास्टिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों एक क्वेश्चन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप एलिमिनेट करो, तो भाई ब्रॉडकास्टिंग का कोड से कोई लेन देन नहीं है, तो ये तो भाई बाहर हो गया, इसके बारे में तो सोच नहीं रही है। अब क्या बोला हुआ है, मल्टीपल प्रोसेस यूज हो रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो मल्टीपल प्रोसेसर या फिर प्रोसेस के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में पहला ख्याल आना चाहिए वो है मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग यहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, और मल्टी प्रोसेसिंग का ख्याल आ रहा है तो मल्टी प्रोग्रामिंग और हमारा टाइम शेयरिंग, ये दोनों चीजें साथ में नहीं दी जाती, क्योंकि टाइम शेयरिंग में क्या है, हम कई सारे प्रोग्रामों को मुख्य मेमोरी में रखते हैं लेकिन करते एक ही हैं। तो अगर ये मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में बात कर रहा है तो टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं होगा। तो अब बचा क्या, अब बचा मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है थ्रेड क्या है, तो थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस है जो कई सारी दूसरी प्रोसेस को इनिशिएट करती है। तो ओएस कई सारे क्या से होते हैं, मल्टी लेवल थ्रेड पे काम करते हैं, मल्टी थ्रेड होते हैं, जिसमें क्या होगा, आप कई सारी प्रोसेस को एक साथ इनिशिएट करवा रहे हो। तो यहां पर हमारा आंसर क्या लगेगा, मल्टी थ्रेडिंग। अगर मल्टी थ्रेडिंग की जगह अगर यहां पर मल्टी प्रोसेसिंग होता तो हम मल्टी थ्रेडिंग को भी इग्नोर करके मल्टी प्रोसेसिंग लगाते हैं, लेकिन यहां मैंने क्या ऐड किया, एक फॉर्म ऑफ कोड, मतलब कोड का प्रकार, प्रोग्राम नहीं है, ओएस नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कोड है, लाइट वेट प्रोसेस है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या लगेगा, मल्टी थ्रेडिंग। तो यहां पर हो जाएगा बी। और अब हम बात करेंगे हमारे वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकंसिस्टेंट, और इनमें से कौन असंगत है, तो डॉट जिप, डॉट कार, डॉट आर, डॉट बी की। तो भाई ये तीनों के बारे में बात की जाए तो ये तीनों क्या है, हमारे कंप्रेस्ड फाइल के एक्सटेंशन है, जबकि डॉट बी के बैकअप फाइल का, तो यही तो इनकंसिस्टेंट हुआ, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये हो जाते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और इतने क्वेश्चंस मैं जो कराता हूँ, इनके साथ में जो क्वेश्चन पूछता हूँ, उनके जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिए। अगर आपको कोई सलाह देनी है वीडियो से रिलेटेड, अगर आपको बोर्ड सही नहीं दिखता या कोई दूसरी भी सलाह आपको देनी है तो आप मुझे कमेंट में वो भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।